एसी का रूम है, ये उन्हीं पत्रकारों के लिए है, चाटुकार पत्रकारों के लिए, कि अगर टिकैत साहब यहाँ किसी से मीटिंग कर रहे हैं तो वो पत्रकार आकर के इसमें बैठ जाएं, क्योंकि वे एसी में ही रहते हैं, उन्हें बाहर गर्मी लगे पत्रकारों को, तो उनके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था करा रखी है। अब टिकैत साहब जरा सा भाई सोना भी तो चाहिए, 24 घंटे उन्हें जगाना ही है, वो जरा सी देर को लौट गए उसमें, किसी ने वो भी फोटो खींच लिया। कैसे लोगों पे कार्रवाई करवाएंगे टिकैत साहब? देखिए बिल्कुल मेरी अपनी निजी राय है, हाँ, कि जिसने भी वो फोटो खींचा उस पर कार्रवाई करानी चाहिए, वो उनका निजी कमरे में सो रहे हैं, हम किसानों ने ही तो ये बना के दिया और वो अपने उसमें कमरे में, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए ये कमरे में चले जाते हैं वो, वरना वो तो यहीं बैठे रहते सारा दिन, किसी भी तंबू में लेट के सो जाते हैं वो, हो सकता है उस दिन इसमें लेट गए हो और उसी ने वही फोटो खींच लिया। देखिए किसानों का मसीहा है वो माननीय टिकैत साहब, और किसानों का मसीहा अगर लेट भी नहीं सकता, जब देश का फकीर 10 करोड़ की गाड़ी में चल सकता है, देश का फकीर 1.25 लाख का चश्मा पहन सकता है, देश का फकीर 1 करोड़ का पेन रख 1 लाख का पेन रख सकता है, देश का फकीर 8.5 करोड़ के हवाई जहाज में चल सकता है, देश का फकीर 22 हज़ार करोड़ के महल में रह सकता है, तो वो फकीर रह सकता है, देश का किसान नहीं लौट सकता। और एक एसी कितने का आता है? 25-30 हज़ार का होगा एसी, है तो ये भी नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज, किसान का इनकी नज़र में किसान है क्या? कमर मुड़ी हुई हो, कपड़े फटे हों, पैरों में चप्पल ना हो, चेहरे पे झुर्रियाँ हो, हाथ में कटोरा हो, इनकी नज़र में वो किसान है। लेकिन जब किसान आए थे बॉर्डर पे, उन्होंने कहा था कि जिन्होंने एसी वालों ने, जो एसी कल्चर के लोग हैं, उन्होंने ये तीनों कानून बनाए हैं। पहले किसान एसी वालों का विरोध करते थे, आज किसान खुद एसी में आ गया है। तो आप चाहते नहीं हो किसान की तरक्की हो? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि किसान थोड़ा भी ऊपर उठे, आप चाहते हैं कि किसान वही रहे दबा कुचला। हम यही तो कल्चर को बदलने के चक्कर में आए हैं। सरकार यही तो चाहते कि किसान जो आगे बढ़े। अरे बढ़े कैसे बढ़ेगा? तीनों कानून जो है वापस कराने चाहते हैं, लेकिन आप तो और इन कानूनों से अब किसान का भला कैसे होगा? इसी से तो एसी वाले में आएंगे। बताओ कैसे आएंगे? कानून में जो बातें बताई गई उनका ये कहना है सरकार के नुमाइंदों का कि आय दोगुना होगी किसानों की उपज का। तो आप एक काम कर लीजिए, सरकार से कहो हमारा गेहूं की MSP 1975 रुपए है, किसान ने गेहूं डाला, सरकार प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, 1975 का डबल करो और अगले साल का चेक दे दो हमें, अब पैसा ही नहीं चाहिए, कराओ ऐसे होगी डबल। अभी 22 आई कहाँ है? अरे चेक दे दो, हम अगले साल बुला लेंगे, तब विश्वास करेंगे। कैसे हो जाएगी अगर सरकार आपसे इतना महंगा लेगी तो उस पर टैक्स लगेंगे, और भी टैक्स लगेंगे तो महंगा तो होगा ना। तो यही तो हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से, कि किसान से तो पूछ लिया, 5 रुपए का कैनोला 145 रुपए MRP है, कोई पूछता है उसे? ये जरूरत किसने करी है ऐसे, कौन लोग है वो? देखो भाई अब ये तो जांच का विषय, जांच होगी उसकी। ये कोई किसानों में से ही है, कोई बाहर का आदमी है? कैसे कह देंगे बिना देखे, मैं किसी से कैसे कह दूं? हमारा किसान कोई नहीं कर सकता ऐसा, किसी ने रहता कौन है उनके साथ? अरे यार यहाँ सब रहे हैं, तुम भी तो रहो, तुम पत्रकार ना हो, सोते हो कमरे में है? अरे कोई भी चला जाए उसमें, किसी को कोई बैन लगा रखा किसी का? ठीक है, साहब से मिलने पे, उनके कमरे में जाने पे किसी पे बैन नहीं है। अच्छा। कोई भी मिलता, कोई भी आता, कोई भी जाता, यहाँ कोई वो थोड़ा ही है कोई यहाँ से धन दौलत रखी कि तुम चले जाओगे, टिकैत साहब की धन दौलत ले जाओगे उठा के? वो जनप्रिय नेता हैं, जनता से मिलने से ही तो जनप्रिय बने हैं। फोटो या प्रधानमंत्री की थोड़े तरह थोड़ा ही है, 7 लेयर सुरक्षा में रहेंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। एसी वाली फोटो काफी जो है वायरल हो रही है, लोग लिख रहे हैं कि क्या किसान ऐसी लड़ाई लड़ेगा सोकर के एसी में ना? सारी रात यहाँ बैठा रहेगा किसान? जो पूछ रहे हैं, जो इन्होंने सवाल किया है, वे कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में? वे भी तो एसी में रहते हैं, तो किसान एसी में नहीं रह सकता? एक दो यहाँ लगा दी, कोई अधिकारी आ रहा है, वे एसी में रहते हैं, उन पर बैठा नहीं जाएगा? अगर इतनी दिक्कत है तो तय करो ना, टिकैत साहब कल से धूप में खड़े होकर तुम्हें बाइट देंगे,
हमला करने वालों को और सबको, के टिकैत साहब के एक आंसू पर सैलाब आया था, और अगर एक टोपा खून जमीन पर गिर गया तो धरती में भूचाल आ जाएगा, ये बता देना उन्हें कि जो जो टिकैत साहब की तरफ को उंगली उठा रहे हैं, देश में भूचाल आ जाएगा। ये हम किसानों की चेतावनी है सरकार को, वो देखें। 8 महीना चल रहा है किसान आंदोलन का, क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आएंगे इस महीने में? यार नई कौन सा, ये फसल थोड़ा ही उगा रखी है, आंदोलन है, आंदोलन आंदोलन की तरह चलेगा। अब आंदोलन चलाना हमारा काम है, हमें कैसे चलाना आदेश टिकैत साहब करेंगे। हमें अपनी खेती भी करनी है, देश की जनता का पेट भी भरना है, नहीं तो भूखी मर जाएंगी। उसने तो कह दी झोला उठा के चल दूंगा, हैं? देश के प्रधानमंत्री का काम होता है कि जनता से कहे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, सारा देश बेच दिया, अब झोले में लेके क्या जाएगा? यूपी में चुनाव आने वाले हैं करीब 7-8 महीने के बाद में, किसान किस तरह का रुख अपनाएगा अपने चुनाव में? जिस तरह से बंगाल गए थे, क्या ऐसे यहाँ भी करेंगे? उससे भी ज़्यादा होगा, वो हमसे 2,500 किलोमीटर दूर था और ये तो हमारा घर है। वहाँ बंगाली शब्द में खेला होबे, और उत्तर प्रदेश में हिंदी शब्द में देसी भाषा में खदेड़ा होबे धकेला होबे। हमें लगता है वो बाजी मार जाएगी, बीजेपी समझौता बना लेंगे वो। अब तुम ही तो कहते थे राम राज है, तुम ही पूछते थे कि योगी जी कहते हैं राम राज है, राम राज में अपहरण हो, राम राज में अपहरण होते हैं क्या? राम राज में बेटियों को जलाया जाता है क्या? राम राज में पुलिस को पीट के अपराधियों को छुड़ाया जाता है क्या बीजेपी के द्वारा? उसे राम राज कहते हो? राम राज में जो अपराधी, सेंगर का नाम सुना नहीं, याद है? उन नाव भी बता दूं, और उस साक्षी महाराज से भी पूछ लियो, वो बहुत बोल रहे हैं कि उन नाव में सेंगर के आदमी ने उस लड़की को मारने का, उसके बाप को मारने का जिस पे आरोप है, बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट ही उसे दिया है, तो अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? गोरखपुर में बीजेपी के गुंडों ने, पुलिस ऐसे खड़ी है डीएम के कार्यालय में, पर्चा नहीं भरने दिया दूसरी पार्टी के को, और पीट के भगा दिया। आप ऐसा कह रहे? वीडियो है सामने। क्या ऐसा पहले भी तो होता था? पहले तो कभी आपने आवाज नहीं उठाई, अब आप इसके भी आवाज उठा रहे हैं? अगर मैं चोर था तभी तो उसे दूसरे को लाए थे, और तुम भी वही काम करोगे तो तुम में और उसमें फर्क क्या रह गया? फिर ये कैसे कहते हो कि हम अच्छे हैं दूसरा बुरा था? ये कहो कि पहले वाले भी चोर थे और हम भी महाचोर हैं, ये कहलवाओ। आपने बीजेपी को वोट दिया था, इसका मतलब? मैंने नहीं दिया। क्यों? आपने तभी कहा हम क्या इसलिए लाए थे? किसे? अरे हम का मतलब क्या होता है, मैं नहीं बोलता, क्यों? मैं बकरे ने की तो कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ कुछ कट गया, कुछ फिक गया, कुछ बिक गया बाजारों में, कुछ ले गया न दाक, जब पड़ी मार तूही की तो मैं की जगह तू ही निकलने लगा, तो वो हम मैं नहीं है, मैं तो रावण की नहीं रही, मैं तो बकरे की नहीं रही, तो कह देना इनसे कि तुम्हारी भी नहीं रहेगी।